हेलो फ्रेंड्स, सामान को जोहार। इन यूट्यूब चैनल सरन ब्लॉग माइथान रे और तेजी दो मिटे वीडियो युतुबन करना जहाँ वीडियो दो बार दिन लहारे रिकॉर्डिंग करते दो का थना और नुआ वीडियो दो होला मंदिर की हेमंत सोरेन उड़ा हड़ माने कल्पना सोरेन आले नडे निश्चय विधानसभा रे हेलनाय और नुआ रैली रे आमा हड़ को हेलना सुर सागिन खन और नित जहाँ चलू करना बीजेपी दुरुन जहाँ बीजेपी नित मेनदा जुदे इन 400 सीट जीते करना तो एनखान संविधान बदला तो नुआ बखरा गी कल्पना सरन ने मेन के अब सनाम लय लय को स्टेट चितान खय कि नित अब तो बीजेपी बन अचो गया ताकि बीजेपी अब 10 साल थे गते हाँ चीज बाई कमिल दा और अब जहाँ तक कि मेना बोना आदिवासी नुकवा हक आदि हक आदि को हेरा बोना तो नित मात खान नुआ वीडियो नेल तुन पे और आजम तुन पे जो तो ओना किता भितरी रहना या ओना कान गया संविधान आनी तो बीजेपी होड़ को पहली खोन के बताई गया ना आपो भेजा को में 2024 रे नामो है उच्चवा पे केंद्र रे और केंद्र रे है कते नुकुरिन नेता गण को बताई गया ना आपो तो आपो जहां संविधान को चेंज आपन बदल आपन आ ओना के कुरु मुटु लगी गे नीति को तो बीजेपी होड़ को चेष्टाए दाको अब वो जहां हक अधिकार में ना ओना भित्री रे सनाम को चबा उतर लगी कमी ए दागो कुरु मुटु ए दाको आ नो बदलाव लगी नीतु को बीजेपी होड़ दो अब आदिवासी को गरीब कुर्बा को मजदूर को अल्पसंख्यक को दलित को पिछड़ा को सनाम को चिंता को पाको चिंता है दा उनको सुचा आता है कि वो ना पहल रिया जहां 2014 ने बन मरांग मरांग तथा को लाई के दा को कि 2 करोड़ रिया रोजगार है मामून किसान रिया आय को दुगनी करते अमा ओका अमा खाता रे 50-50% हिजो आको इना मरांग मरांग तथा लाई कते के 2014 ने आपे दाड़े के सना मोर दाड़े के पूरा झारखंड दिसम दाड़े के पूरा हिंदुस्तान दिसम दाड़े के उनको तो कुर्सी रे ग्रुप के ना को 10 बछर हुई ना और नुको बीजेपी होड़ को तीनों जुमला के दा को अनि तो चुनाव से तेरे ना आ चुनाव से तेरे कते मीठा मीठा कथा के रोड़े दा को मारा मारा गारंटी एम लगी नेता एक ना के आप सभी को मैं बताना चाहती हूं 2014 में बीजेपी वालों ने इतने बड़े बड़े वादे किए रोजगार के वादे किए किसान की आय दुगनी करने के वादे किए आपके अकाउंट में खाते डाल पैसे डालने के काम किए ऐसे बड़े बड़े वादे देख करके किसी का भी मन डोलेगा सबने आप लोगों ने आशीर्वाद दिया 2014 में उनको बैठाया 10 साल हो गए मैं पूछना चाहती हूँ आपके अकाउंट में पैसे तो आ गए होंगे आए क्या अरे चेक करिए आए होंगे अरे 15-10 साल पहले की बात है आए होंगे थोड़े तो की 15 रुपए ही आए होंगे नहीं आए हैं आप लोगों के रोजगार देने का बात किया था बड़ी बड़ी बातें की थी मुझे लगता है यहाँ सबके पास में रोजगार होगा नहीं होगा झारखंड में ही पूरे देश में रोजगार है हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार होगा देख लीजिए क्योंकि वादा किया गया था 2014 में और हमारे खास करके युवा वर्ग से ही वादा किया गया था कि आप लोगों को हम नौकरी देंगे आज अग्निवीर के जितने बच्चे हैं उनकी उम्र बढ़ गई 10 साल उम्र बढ़ गई नौकरी नहीं मिली लेकिन यहाँ पर मैं जो कुर्सी में बैठे हैं बीजेपी के लोग ये लोग बोलते हैं कि हमें फिर से वोट दीजिए पुराने वादे पहले आप पूरे करिए उसके बाद आप हमसे वोट लेने के लिए आइए हमारी आय दुगनी करिए उसके बाद वोट लेने के लिए आइए हमें रोजगार देने के लिए आइए उसके बाद वोट लेने के लिए आइए आप लोग पहले पुराने वादों को पूरा करिए उसके बाद हमसे वोट लेने के लिए आइए और एक आवाज मिल रहा है रसोई घर के साथ मिल रहा है मान सम्मान के साथ एक मजबूत छत मिल रही है तो वो अगर देन है तो वो है हेमंत सोरेन का आज हरा राशन कार्ड ये केंद्र सरकार ऐसी है कि हमारे झारखंड के 11 लोगों 11 परिवारों का राशन कार्ड इन्होंने काट दिया डिलीट कर दिया लेकिन आपके बेटे ने
20 लाख लोगों को राशन कार्ड दिया है ताकि कोरोना के समय कोई भूखा ना मर सके। ये वो संवेदनशील व्यक्ति है जो आज जेल के अंदर में बंद है। हेमंत सोरेन ने 1,36,000 करोड़ का बकाया मांगा, अपने राज्य का, अपने हक अधिकार का बकाया मांगा, तो बीजेपी वालों को इतनी तकलीफ हो गई। यहाँ पे अपने से तो वादे किए हुए पूरे नहीं होते, लेकिन हेमंत जी की अबुआ आवास, पेंशन, सावित्री बाई फूले, रोजगार सृजन योजना, इतनी लंबी लिस्ट है, बता दे जाऊं तो शायद ये सूरज ढल जाएगा। और उसको बंद करने का काम किया है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। ये आपको सुनिश्चित करना है कि जितने झूठ बोलने वाले हैं, जितना जुमला करने वाले हैं, जितने षड्यंत्र करने वाले हैं, ये लोग अब भूल चुके हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान अगर चलता है तो वो लोकतंत्र से चलता है, वो लोगों के द्वारा चलता है। कि सरकार चुनी जाती है तो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, कि संविधान बनता है तो लोगों के द्वारा बनता है, उनके लिए बनता है। तो आज का ये चुनाव अभी जो चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, ये बीजेपी बनाम जनता का चुनाव है। ये जनता त्रस्त है और ये जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और ये आपने देख ही लिया है जिस तरीके से मतदान चल रहे हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। हमारा झारखंड में पहला चरण जो पूरा हो चुका है, उसकी चार की चार सीटों में इंडिया गठबंधन आ चुका है और इसका जनादेश जनता ने दिया है। अब बारी आप लोगों की है, आपको सुनिश्चित करना है कि आप किसके साथ में हैं। आप इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, जो जिसने ये आपसे रोजगार देने का वादा किया है उसके साथ में हैं, जिसने महिलाओं के अकाउंट में पैसे देने का वादा किया है उसके साथ में हैं, जिसने अपने बच्चियों को आगे बढ़ने का काम किया है उसके साथ में है उसमें, या इंडिया गठबंधन के हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, किसी भी पार्टी से हमारा जो दल है, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे हमारा इंडिया गठबंधन है, वैसे हमारा हिंदुस्तान है। और यहाँ की आवाम ये पहचान चुकी है कि अब धोखे से ये नहीं चलेगी दुनिया, ये हिंदुस्तान अब धोखे से नहीं चलना है। अब हमको करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। क्या हो गया है?